आपके लिए एक DIY लेके आई हूँ जिसमें मैं बना रही हूँ मिक्सी का कवर। तो और मैं इसके साथ एक दो और शेयर करूँगी। अब मैं आप लोगों के लिए ये बना रही हूँ। मुझे कम से कम इतना मीटर, 1 मीटर से 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए इसके लिए, अगर आपकी मिक्सी बड़ी है तो। अगर आपकी मिक्सी छोटी है तो आप कम भी कपड़ा ले सकते हैं, उसका मेजरमेंट ले लेना पहले, उसके बाद आप स्टार्ट करना। तो मैं इसको यहाँ से बीच से कट कर लेती हूँ। इसको जॉइंट से हमें, मेरी मिक्सी का जो साइज़ है उसकी लेंथ जो आ रही है, लंबाई वो आ रही है 20 इंच, तो ये 21 इंच है, तो मुझे इसलिए इतना 21 इंच चाहिए, क्योंकि इसे हम वापस अंदर को मोड़ेंगे भी, इसलिए हमें 1 इंच मार्जिन रखना है। तो हम इसे 1 इंच मार्जिन के साथ कटिंग कर लेते हैं। आधा मैंने अलग कर लिया था, उसके बाद मैंने जो ये आधा बचा है इसको मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है, और उसके बाद फिर हम इसे एक बार और मोड़ लेंगे इस तरीके से। और मेरी मिक्सी का गोल घेरा जो है वो 10 इंच का है, उसी का मैंने मेजरमेंट लेते हुए हमें यहाँ पर से इसका नाप लेना है। यहाँ इस कोने से, इस कोने से लेंगे हम इसे। तो मेरे पास चौक दूसरे कलर की है नहीं, और ये भी छोटी सी है, तो आप पेन या कोई और कलर की चौक ले लेना। 5.5 हमने यहाँ से लिया है, फिर हम इसके 5.5 5.5 सारे निशान लगा देंगे यहाँ तलक। तो आप एक यहाँ लगा लीजिए ऐसे, फिर इसका गोल घेरा बनाते हुए हमें इसे यहाँ से 1 इंची की दूरी पर लगाते जाना है। इसी तरीके से हम इस इन सबको आपस में जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें इसे इसी के ऊपर लाइन पर चलाते हुए कटिंग कर लेना है। अगर आपकी मिक्सी ऊपर से गोल है तो आप गोल कटिंग कर लीजिए, चकोर है तो आप चकोर कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से एक गोल वाला। तो मैंने इसे थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए। तो ये 11 इंच का गोल घेरा है, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। ये देखिए चारों तरफ से ये 11 इंच का है, तो आधा इंच हमारा गोलाई में चला जाएगा स्टिचिंग सिलाई में। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बताऊँगी आप लोगों को। कपड़े को, गोल वाले को हमने ऐसे नीचे रखना है, और साथ में हमने ये जो हमारा 20 इंच का था कपड़ा, इसे हमने इसके साथ ही जॉइंट करना है। तो हम इसको इस तरीके से इसमें जॉइंट करते हुए जाएंगे, और हम साथ में ही इसमें फ्रिल भी डालते हुए जाएंगे, चुन्नटे। आप लोग साथ में भी डाल सकते हैं, अलग से भी डाल सकते हैं। छोटी छोटी सी हमें चुन्नट डालनी है, और वो नीचे वाला कपड़ा जो है उसमें हमें सिलवटें नहीं लानी इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा टाइम लगेगा पर बहुत सुंदर बनेगा। पास पास में डालते हुए जाना इस तरीके से, सब में पूरे घेरे में हमें इस तरीके से सिलाई करते हुए आना है। तो चलिए मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। देखिए ये मेरा पूरा यहाँ पर एंडिंग हो चुका है। देखिए आप, पूरी सिलाई हो गई है मेरी। ये देखिए इस तरीके से एकदम। तो चलिए
तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का तैयार हुआ है। अभी मैं इसमें यहाँ पर लैस लगाऊंगी और कुछ नीचे भी लैस लगाऊंगी, तो ये पूरा तैयार होगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं इस सिलाई से ये वाली लैस लगाती हूँ, ये वाली, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर के लैस है नहीं, या कोई और कलर होता है तो मैं देखती हूँ। अभी मैं देखती हूँ अपने स्टोर में मेरे पास और कोई कलर है तो, फ़िलहाल मेरे सामने अभी यही थी। तो देखिए ये चौड़ी वाली लैस है मेरे पास एक, तो मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि ये वाली कुछ इसमें इतनी मैच सेम सा कलर हो रहा है, तो ये इसमें इतना कंट्रास्ट मैचिंग आ नहीं रहा, तो मैं ये लगा देती हूँ इसमें। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी। अभी मैं इसको इसके अंदर डाल लेती हूँ। और ये जो मैंने इसकी लेंथ ली है कपड़े की, ये पूरी मैंने लेंथ ली है, इसकी लेंथ पड़ी है मेरे 70 इंच, लंबाई इसकी 70 इंच पड़ी है, और इसकी चौड़ाई जो थी वो मैंने आपको बताया था 21 इंच थी, जिसमें से आधा इंच मेरा अंदर चला गया, आधा इंच के करीब मेरे नीचे फोल्ड हो जाएगा, तो 20 इंच मुझे तैयार इसमें चाहिए। तो पहले मैं लैस लगा लेती हूँ, उसके बाद इसे नीचे से मोड़ूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे यहाँ पे से, और इसे हम यहाँ किनारी पर रखते हुए इस तरीके से इसके नीचे डालेंगे, और हमें सिलाई को इसकी जो चुन्नटें हैं वो हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेनी है एकदम, और गोलाई में से सिलाई करते जाएंगे। इसे हमें यहाँ से फेविकोल से या ग्लू गन से या फिर सुई धागे से इसे इस एक दूसरे में स्ट्रेच कर लेना, या फिर अगर हो सके तो इसे मशीन से आप इस तरीके से सिल। तो देखिए मैं इसको अब नीचे से मोड़ रही हूँ, लैस मैंने लगा दी थी बीच में भी, किनारी की तरह से मोड़ते हुए पूरी में सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई पूरी में लगा ली है, इसमें इस तरीके से धागों को हम साथ साथ काट देंगे अच्छे से, तो इस तरीके से ये मैंने इसमें यहाँ इधर सेंटर में भी लैस लगा ली थी। ये थोड़ा मेरा बड़ा हो रहा था कपड़ा, तो मैंने थोड़ी कटिंग कर दी है, मिक्सी में नीचे लटक रहा था, मैंने नाप के देखा तो मैंने इसलिए कटिंग कर दी, अदरवाइज़ ये अब थोड़ा नीचे आ गया है, वरना ये थोड़ा ऊपर होता, अगर ये बिल्कुल बीच में लिया था मैंने, पर मैंने इसमें से ये 2 इंच के करीब कटिंग कर दी है, थोड़ा मैं ऊपर ही रख रही हूँ। तो चलिए अब इसका पहले मैं इसका मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये प्लेट मेरी डल चुकी हैं, ये देखिए 1 2 और ये 3 4, इसी तरीके से इसमें मेरी 5
प्लेटें डली, 5 प्लेटें डली हैं। तो अब हम इसमें इन प्लेटों में मोती या कोई भी चीज़ हम इसमें बीच बीच में रखें। फ्रेंड मैं इसमें ये जो इसके फ्लावर हैं मोती ना लगाते हुए तो मैं ये लगा रही हूँ। आप लोग मोती भी लगा सकते हैं, अगर आपकी लैस में कोई फूल वगैरह है तो वो भी टांग सकते हैं। इस तरीके से मैं सुई धागे से लगा रही हूँ, गोंद से भी चिपका सकते हैं, आसानी से चिपक जाते हैं। इस तरीके से हम इसे लगा देंगे। ये मेरा मिक्सी का कवर इतना सुंदर दिख रहा है गाइस, मुझे तो सुंदर लग रहा है, पर आपको भी सुंदर लगना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए।